हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चेसर, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज और लाइफ स्ट्रीम्स पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं ना, वो है हमारी ये रैम जो मैंने 8 GB की मंगाई थी। अब कौन सी रैम है ये, तो इसका सरप्राइज मैं आपको देने लगा हूँ। ऐसे अगर जिन्होंने ये लिंक पढ़ा है और वीडियो देख के जो आया हुआ है, वैसे मैं इससे किससे कर रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली ये कैंची अब मैं ले आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, जब भी आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाएं, तो एक मेरी हमेशा बात याद रखिएगा कि उस ऑनलाइन प्रोडक्ट को खोलने की आप वीडियो बना लें, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो, तो गड़बड़ घपला हो, तो आप लोग वो वीडियो सेंड करके वो प्रोडक्ट वापस भेज सकें। तो हम इसको खोलते हैं। क्योंकि पीछे पेटीएम वगैरह बहुत तगड़े तगड़े फ्रॉड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। देखिए आप प्राइम 8 GB वालों ने कितनी तगड़ी पैकिंग की है। डबल, ये डबल पैक था, डबल सील था। उसके बाद ये अंदर बिल है, और ये प्रॉपर बिल है स्टैम्प के साथ। बिल को हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे इनसे पहले भी मैंने एक रैम मंगाई थी, पर उसकी वीडियो एक्चुअली मैं बना नहीं पाया, क्योंकि वो पहले ही किसी ने खोल दी थी। इसकी हम वीडियो बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, इसका हम अच्छे तरीके से रिव्यू देंगे। अब एक हल्की सी सीन हो गया, मैंने यहाँ से डब्बा थोड़ा काट दिया है, पर कोई चक्कर नहीं। और ये इस तरीके से मैं, हाँ, ये हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग की है। और ये है हमारी XPG GameX D30 RAM 3000 MHz। और इसका हम खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ये पहले देख लीजिए, ये दोनों सील पैक है। हाँ, यहाँ सील पैक है और यहाँ सील पैक है। ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये सील पैक है या नहीं, तो भाई क्या पता उसने अंदर से कोई पुरानी रैम डाल दी हो, तो आपको उतनी गारंटी ना मिले जिसके आप हकदार हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए एक बार, क्या ये कोई चिप लगती है? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेसिंग कार है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये मेरी पुरानी कॉर्सियर की रैम के मुकाबले बहुत ओपी लग रही है। अब ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे, ये 8 GB नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूँ, DDR4 है। आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा पूरा, इसके वेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो स्पीड जो इसकी है वो 3000 MHz है, और इसकी जो लेटेंसी है 16:20:20 है, और इसकी जो टेस्टेड लेटेंसी है वो 15:18:18 है। तो हम इसको 15:18:18 पे ही चलाएंगे, 16:20:20 पे नहीं चलाएंगे, 2600 MHz पे, क्योंकि मेरा जो PC है, मेरा कोर i5 2600 MHz ही सपोर्ट करता है। उसके अलावा इस रैम की 10 साल की वारंटी है, तो अगर 10 साल तक इसको कुछ भी होता है, तो मैं इसको रिप्लेस करा सकता हूँ, डायरेक्टली रिप्लेस। पर आप लोगों को मैं सिर्फ इतनी बात बता दूँ कि हाँ, ये रैम मुझे सस्ते में पड़ी है, इसलिए मैंने ली है। आप लोग भी लुक को देख के अपन रैम लीजिएगा। रैम जब भी लेनी है, जो सबसे सस्ते में पड़ेगी वो लीजिएगा। बस ये याद रखिए कि हीट सिंक होना चाहिए। अब एक चक्कर मुझे समझ नहीं आ रही, ये हीट सिंक मेटल नहीं है, प्लास्टिक है, ये क्या हीट डिसिपिटेट करेगा? या एलुमिनियम है, वो मुझे नहीं पता, पर ये क्या हीट डिसिपिटेट करेगा, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, इसके लुक बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से ये रैम बहुत चलेगी। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। देखते हैं इस रैम को चला के, तो मिलते हैं आपसे अगली बार, और लेते हैं इजाज़त। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। आप देख सकते हैं कि मेरी रैम चल रही है, और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने ये बायोस भी पूरे खोल दिए हैं। तो अभी हम बताएंगे कि आपको इस बायोस में करना क्या है।
तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे XMP प्रोफाइल है ये एक, तो आपको इस XMP प्रोफाइल को ऑन कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो रैम है वो ओवर क्लॉक करने लायक हो जाएगी। इस तरीके से आपने ऑन करना है, सेटिंग पे जाना है और आपको यहाँ पे OC में जाना है। इसमें सेटिंग थोड़ी अलग है, OC में जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड रिंग फ्रीक्वेंसी है, ये सब है। यहाँ पे आपको रैम फ्रीक्वेंसी देखनी है। रैम फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 2600/2666 पे है और DDR4/2666 इस तरीके से यहाँ पे रैम फ्रीक्वेंसी है। पर एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल XMP होता है, XMP प्रोफाइल को कहते हैं एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल। आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप मेमोरी Z पे जाइए, अगर खुलेगा तो भाई हम भी डिम B1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं DDR4/2600 पे पहले से क्लॉक्ड है। तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मेमोरी ट्राइट डिसेबल, तो यहाँ पे ये 15 और 16 पे कर सकते हैं। 15 पे करने लगा हूँ मैं DDR4/2666 CL15। और यहाँ पे देखिए ये मेमोरी ट्राइट पे हम गए और यहाँ जाके हमें सेव करना है। सेटिंग में जाके सेव एंड एग्जिट में जाके सेव चेंजेस हम कर देंगे, यस कर देंगे तो 15 वाला चल जाता है। OC पे जाएंगे फिर से हम और रैम सेटिंग DDR4। तो DDR4 ये रैम, अब यहाँ पे देखेंगे आपके बहुत सारे यहाँ पे आपके प्रोफाइल्स हैं पर आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना है। एक्चुअली अगर आपका मदरबोर्ड ओवरक्लॉकेबल है तो आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं इसको, रैम को बहुत ज़्यादा एडवांस डी रैम कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टाइमिंग वगैरह मिसिंग है, पर अगर आप इसको ना करें तो अच्छा है। देखिए 15/17/17 पे ये सेट है, 18/18 पे होना चाहिए वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहता। 35 TRS 35 आप इसको 35 ही रहने दीजिए। अब सेटिंग पे जाएंगे, बूट पे जाएंगे, इसको यहाँ देख लो OC पे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेटिंग पे जाके सेव एंड एग्जिट मार देंगे, सेव चेंजेस यस, सेव चेंजेस एंड रिबूट करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारा ये रैम है ये इसकी क्लॉक सेट हुई है कि नहीं। अभी ये ऑन हो रहा है और अभी तक कोई एरर तो शो नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि क्लॉक जो है सेट हो चुकी है क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्लॉक मैंने 2266 पे रखी हुई थी और ये 8 GB ऑफ क्लॉक है अब। तो यहाँ पे अब सेटअप होगा इसका, थोड़ा आप देख सकते हैं सेटअप कैसे हुआ। और गाइस एक माइक आने वाला है अब नया, तो तुम लोगों को उस माइक से सारा कुछ कराऊंगा मैं, अभी वीडियो ऑडियो शॉडियो। तो आज उसने आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग वगैरह मैं दिला दूंगा। पिछली रैम कॉर्सेयर वाले की मैंने अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसका डब्बा पहले से खुला हुआ था और वो सब काम फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रॉपरली काम करता हूँ, कोई भी करता हूँ नहीं तो नहीं करता, नहीं तो मैं कोशिश भी नहीं करता सच्चाई बताऊँ तो। अब यहाँ पे हमारी विंडोज सब बूट हो रही है पर हमें ये देखना है कि हमारी जो 8 GB की दूसरी स्टिक है ये पकड़ी गई है कि नहीं, इसको हमारा PC रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने लेटेंसी और सब मतलब सब कुछ ही हमने सेम रखा है। हमने लेटेंसी भी सेम रखी है और क्लॉक स्पीड भी सेम रखी है, तो ये चलना तो पूरा प्रॉपरली चाहिए। तो गाइस अब मैं वीडियो नहीं बनाने लगा उसके लिए कि ये लेटेंसी, मैं फ्लैश ऑफ कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सके। थोड़े कंट्रास्ट मैंने ब्राइट रखे हैं क्योंकि गेमिंग के लिए ब्राइटर कंट्रास्ट्स आर बेटर। और अब मैं पासवर्ड डालने लगा हूँ और मैंने पासवर्ड डाल दिया है, बस ये लॉगिन हो रहा है। अब हमारे पास रैम आई है कि नहीं उसको देखने का सबसे इजी तरीका तो ये है, यहाँ क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर पे जाइए और यहाँ पे टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस पे, अगर खुलेगा तो, क्योंकि ये थोड़ा अभी अपने आप को सेटअप करेगा। और यहाँ पे हम मेमोरी देखेंगे अवेलेबल 13 GB मेमोरी और 2 GB यूज़ हो रही है, 14 GB मेमोरी है, मतलब कि हमारे पास कमिटेड 16 होनी चाहिए। ये 26 कैसे आ रही है, 16 होनी चाहिए ना, ये 26 क्यों आ रही है? 8 GB वाले की जगह 16 GB वेरिएंट तो नहीं भेज दिया इन्होंने? ऑलराइट,
नहीं 8 GB वेरियंट ही है। फिर ये मेमोरी 26 GB आ रही है बे, नहीं नहीं 16 ही है, आप देख सकते हैं मेमोरी 16 GB है। कमिटेड इज दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे मेरे को 16 GB ऑफ रैम है अब मेरे पीसी में। तो अब आप क्लॉक स्पीड में आपको दिखाना भूल गया, टास्क मैनेजर पे जाके परफॉर्मेंस पे जाके मेमोरी भी जाएंगे। यहाँ पे क्लॉक स्पीड आप देख सकते हैं 2667 क्लॉक स्पीड है, दो स्लॉट यूज्ड है, स्लॉट यूज़ 2 of 4, तो 2 of 4 एक्चुअली दो ही स्लॉट है, तो 2 of 4 का मुझे मतलब समझ नहीं आया। यहाँ पे 57.8 ये जो हार्डवेयर रिवील है, ये 50 ये कुछ MB का, बाकी तो अच्छा है चलो, क्योंकि एक्चुअली मेरा 3 GB ग्राफिक कार्ड है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये मेमोरी मुझे डालनी ही थी ताकि मेरी वॉर जोन वगैरह चल सके, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन और फॉर होराइजन ज़ीरो डॉन को खेल सकता हूँ। तो हाँ बस आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, लेते हैं आपसे ज़्यादा, मिलते हैं आपसे अगली बार हमारे इसी प्यारे से चैनल चेजर पे। तब तक ले, गुड बाय, अलविदा।